हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी नए साल की शुरुआत के साथ हम आपके लिए मेडिकल की डिफ़िकल्ट स्टडी को इजी बनाने के लिए छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ सच्ची मोटिवेशनल कहानियां सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपको पढ़ने में मन लगे। एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक लड़का था, उसके पिताजी की डेथ बचपन में हो चुकी थी। उसकी माँ बहुत गरीब थी। वो दूसरों के घरों में जा करके बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी और जो भी पैसे मिलते थे उससे अपने बच्चे को पढ़ाती थी। बच्चा पढ़ाई लिखाई में होशियार था। धीरे 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 वो पढ़ता गया। 12th क्लास उसने पास किया। पढ़ाई में अच्छा था इसलिए उसने मेडिकल निकाल लिया, वो MBBS में आ गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल में हर बुक्स बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, तो वो लड़का जो था वो किताबें नहीं खरीद पाता था। एग्जाम का समय आता था, उसके पास किताबें नहीं रहती थी। उसके दोस्त जो रहते थे उसको किताबें दे दिया करते थे। साल भर वो दोस्तों से मांग करके किताबें पढ़ता था। लेकिन जब एग्जाम का समय आता था तो उसके दोस्त उससे किताबें वापस ले लिया करते थे, यानी कि एग्जाम टाइम में उसके हाथों में उसकी किताबें नहीं होती थी। इसके बावजूद वो लड़का हर एग्जाम में टॉप किया करता था। उसके दोस्त उससे पूछते थे, यार एग्जाम के टाइम में तेरे पास तेरी किताबें नहीं होती, इसके बावजूद तू हर एग्जाम में कैसे पास होता है, कैसे टॉप करता है। वो लड़का हंस दिया करता था और बोलता था कि देख यार, जब एग्जाम आता है तो मेरे पास किताब नहीं होती, ये मुझको पहले से पता रहता है, तो इसलिए जब भी कोई किताब मैं पढ़ता हूं तो इस तरीके से पढ़ता हूं कि दोबारा मुझे इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये मेरी कमजोरी है कि किताबें मेरे पास नहीं होती, लेकिन मैं किसी तरीके से उसको अपनी ताकत बना लेता हूं। यस, दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। हम अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं कि भगवान तूने मुझको ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझको वो नहीं दिया, भगवान तूने ये नहीं किया, भगवान तूने वो नहीं किया, और हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, हम बस कोसते रहते हैं। लेकिन इसे लाइफ नहीं कहते। हमको क्या करना होता है कि जो कमजोरी है वो है, लेकिन उसको हमको अपनी ताकत बना के चलना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। वो लड़का धीरे धीरे एग्जाम पास करता गया। फिर उसने PG एंट्रेंस दिया। पढ़ाई लिखाई में होशियार था, पीजी एंट्रेंस में उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत ही अच्छे कॉलेज से उसने ऑर्थो की ब्रांच उठाई और ऑर्थो में उसने अपनी पीजी कंप्लीट की। थोड़े बहुत पैसे आए, उसने अपने माँ को दे दिए। अब जब वो पीजी वापस करके अपने शहर में आया तो फिर से उसके दोस्तों ने कहा, यार तूने ऑर्थो कर लिया बहुत बढ़िया, लेकिन ऑर्थो के सेटअप डालने के लिए तुझको करोड़ों रुपए की जरूरत है, लेकिन तेरे पास तो पैसे नहीं है, तो क्या करेगा। तो इस पर वो लड़का फिर से हंसता था और कहता था, यार मेरे को पता है कि ऑर्थो करने के बाद में मुझको एक बहुत बढ़िया सेटअप चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि अगर मान लो मैं एक टेबल लगा करके बैठा और कोई पेशेंट मेरे पास आया तो वो मुझे कोई फीस दे करके जाएगा, मेरे से कुछ ले करके नहीं जाएगा। बिल्कुल, दिस इज नोन एज द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ। हम रोते रहते हैं कि भगवान ने हमको ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं सोचते कि हम क्या कर सकते हैं। हमको इन चीज़ों को लेकर के रोना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उनको हमारी ताकत बनाते हुए आगे बढ़ना है। यही आज की कहानी है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी हम अपने वीडियोज़ डालेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।